हम जिम को आगे लाइट्स के इवेंट्स कर रही हैं। ये है डेड लिफ्ट की एक्सरसाइज। ये हमारे रुल्ला भाई है हमारे साथ। ये आईने में क्लासेस में डिफरेंस देखो, ये क्लास में ये जो एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज है, इसमें पे एक्चुअल देखा गया तो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आपको करके, फिर उसके बाद बोलता हूँ कैसी एक्सरसाइज। बैक और चेस्ट, बैक बाहर निकालना है, चेस्ट को पेन से बाहर निकालना है, चेस्ट ऊपर करके मारना है। तो लोहा समझते बैक सुने मालूम एक्सरसाइज, लोहा समझते बैक की पेनों की एक्सरसाइज कर रहे समझते, तो मैं बताता हूँ आपको करके देखो पूरा वैसे ही सीखना आप लोग। ये है देखो डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज, मगर क्लियर नहीं आई, लोग समझ रहे होंगे पेनों की एक्सरसाइज मार रहा हूँ मैं, वो नहीं होता एक्चुअल में, वो बैक की एक्सरसाइज है, लैट्स की एक्सरसाइज है। उन्हें मेरे पेनों को देख रहे थे होंगे ने, सही बोला मैं। तो ये रहा हम लोग आयस इब्राहिम पट्टनम बकरे देखने। गाड़ी देखो किचड़ में फंस गई, इतनी स्पीड से लेके जाना पड़ रहा। क्लियरिटी सही नहीं आ रही होंगी, कैमरा ज़रा पहुँचना पड़ता, पर वो मोमेंट में नहीं हूँ मैं पहुँचे जैसे। तो ये रहा इब्राहिमपट्टनम का सॉलिड तरीके से सिटी का एरिया बोल के तो लाए, पीछे गांव में ला दिए अपने को, कुछ भी नहीं दिख रहा देखो। इतनी अच्छी रास्ता रख ले गए पट्टे, अच्छी रोड से लेके गए। चार्जिंग पहले नहीं है अपने कने, जितना छोटा मोटा एरिया है मतलब थोड़ा थोड़ा कवर कर सकता हूँ ऐसा कवर करके बताता हूँ आप। तीनों सामने जा रहे हैं ये बच्चे, यहाँ इब्राहिमपट्टनम के रहने वाले हैं। तो हुआ क्या, जहाँ गली में लेके जा इन लोगों कुछ यहाँ के रास्ते नहीं मालूम कि गली में घुसाए, फिर वो एक तो कच्ची रोड पे घुसाए, फिर ये गली में घुसा के बोल रहे हैं तालाब क्या कि पानी आ गया, अब फिर यहाँ रोक दिया आ लिया, फिर कुछ डिस्कशन कर रहा मेरे भाया, फिर से यू टर्न लेने लगा है भाई, कहाँ फंसा है भाई तुम, कहाँ बैठे हुए लगा झाड़ों में बैठे हुए, आवाज ना बेहतरीन आ रहे मोरों के। कैसा खाना पड़ा देखो, गिरा लेते दोषा चलेगा दोषे वाला, ऐसा जंगल में ठहर के हम ना खा रहे, घर के में जा रहा था उन्हें। कितने बोला है ने अभी, क्या बोला था एन भाई के आगे कुछ बोला भाई तेलुगु में, जरा हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो कितने कितने पूछे तो उसको ये हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बोलने नहीं आ रहा था इंग्लिश के। तो हमारे रुल्ला भाई क्या करे, उसको 100 रुपये दे दिए, वो कितने की क्या है ये ले ले, बाकी दे दे बोल के दे दिए। छोड़े गाँव का है देखो कैसे गुजरे, मगर सही यही छेड़ना सही बोल रहे ना, ये बकरे कहते 26,000 जोड़ी कहते, क्या बोल के लेंगे कैसा लेंगे। तो ये तालाब, अरे क्या हुआ कहीं ना कहीं से भी नहीं दिख रहा है, रुको फिर दिखा दो मैं थोड़ा। अरे 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 हवा ऐसी चल रही भाई, फोन गिर गया जैसा दिख रहा मेरे को, मैं आगे से अच्छा दिख रहा है, यहाँ ओपन एक आ रहा व्यू भाईजन, लंबी गड़बड़ी में अपने अपने सब जाते हैं। मामा की गाड़ी से खाली बकरा दिखाने लेके जा रहे हैं, उनकी गाड़ी से उनकी गाड़ी की आवाज से जाना पड़ रहा, दूर दूर भी चले गए तो खरीफ लेके जाके सुनाता हूँ मैं।
लेके चला रहे हूँ आखी गोखी में। तो आप देख रहे हैं खाली अंदर ही नहीं छे बोल के ले गया, एक 5 किलोमीटर तो अब तक ले लेके आ गया। मामा पलट के भी नहीं देख रहे हम ना आ रही नहीं आ रही पीछे गायब हो गए। अब ऐसी फीलिंग आ रही है हल्लू निकल लेना पड़ता होता लेके जाते जा रहा क्या भाई, इसकी प्लानिंग व्लानिंग तो नहीं है इसके अंदर लेके देने की। कहीं काट देते कहते ना इधर कोई है ना इधर कोई, इन्हें अंदर लेके जा रहा और मामा को हर कोई सलामा कर रही है भाई जो जा रहा सलाम मार रहा। और ये हालत को ये गाड़ी की हालत को मामा को सलामा मार रही ऐसा कौन तो भी है कि जरा बेबादी मालूम होता। देखेंगे चलो देखेंगे दुर्बा बोटी नान की रोटी। ओ माय गॉड कांगा सीटी बजाते ही आ रहे ना, ये सीटी मेरी सीटी है आली भाई वीडियो में आरिश ने सीटी वहां की गिरी गिरी बेइज्जती हो जा रही। देखो ये दे रहे हैं भाई हमारे बड़ी बिल बन रही है यहाँ पर महाभूख फिर मची भागे शिकारी जिधर पीछे दौड़े शिकारी उधर जीता शिकार जिलेगा एक दिन हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को एक जान की बहुत जरूरी है जागो जागो बकरे शेर आया तो करने का टुकड़े हुई ऑफिस बकरों ये ऑफिस में बैठ के रियल एस्टेट के ऑफिस में बैठ के हम ना डील कर रहे हैं। ओ ये एक बकरा देखे फोटो देखे देखा ना अपना वो फोटो जो बकरी की है सॉलिड है 60-70 किलो तो हमने 60-70 किलो 4 आदमियों ने किसके भागा उसको आधे घंटे तक तो पकड़ने में लग गया जंगल में। लेट्स सी चार्जिंग खत्म है घर को कह तक चलाना है मेरे को 10% है बाकी वीडियो में एक अच्छा तभी दूसरों के फोन में देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा तब तक के लिए तो हुआ ये हम दोनों बीच में रख लिए थे उसको चार जने मिल गए उठाए उसको बकरे को जो मैं दिखाया जो वीडियो में हम ना पकड़ रहे थे ना वो उसको तो अब क्या हुआ आधा रास्ता है इब्राहिमपट्टनम से आधा रास्ता है तो वो बहुत बड़ा हिल रहा था धान कितने धीरे थे भैया मतलब छट्टा मतलब यू पैरा हिला रहे थे लाइट नीचे पूरे लग जा रहे थे पूरा हिल रहे थे ऐसा उछलते जा रहे थे सीधों से मारा पड़ जा रहे थे आखिर में क्या करे ऑटो में डाल दिए। अब ऑटो में ऐसा डाल दिया उसको ऐसा मतलब एकदम इधर जैसा भी नहीं है बता तो ऑटो में बाजर ऑटो हालत ऐसे हो गए देख रहे हैं हेयर स्टाइल वो भी एक तरीके का फैशन दिख रहा है हालतों से। तो सुबह जिम को गया जिम से फिर इब्राहिमपट्टनम उसके बाद कौन सा की गाँव गए फिर वहाँ से एक बकरा उठा के जो था वो बकरा जो दे दिए फिर घरों को गए घरों को जाके थोड़ा लाइट
एक आधे घंटे की नींद लिया, चार्जिंग करा फ़ोन में। उसके बाद आया देखो अब शमशाबाद के आगे आया वंडरला के पास, मैं और हमारे रुल्ला भाई, इनका एक बकरा तो हो गया, अब एक बकरा इनका है, दो बकरे मेरे हैं। लेट्स ट्राई, देखना है क्या है यहाँ पर का हिसाब। उन्हें फ़ोन आ कर करके बुलाया पट्ठा, गाँव का है, पालतू है, कहते घर के पालतू सॉरी कुत्ते नहीं कर रहा था बकरे, देख के लेंगे अपने एरियन से लेना बोले तो बहुत महंगे पड़ जा रहे हैं भाई। अब जो अपने को भी अच्छी कुर्बानी देना है वो हिसाब से लेंगे बोले तो, एक जो अपने हिसाब से लेना है वो 24,000-25,000 में एक मिल रहा। अब अपन जो लिए इनका जो बकरा जो बड़ा था वो देखे ना अपना, वो बकरा आई थिंक अपने एरिया में अगर लिए तो 30,000 से कम नहीं है वो बकरा। उन्हें 40,000 बोला वहाँ पे गांव में। अपन भी ऐसे इंसान हैं, अपने को कुछ और बनाने गए, अपन भी उसको कुछ और बनाए, क्या बोलते हैं भाई। उन्हें 40 बोला, मैं कितने बोला भाई, 13,000। अपन भी गिरा कर ना भाई, उन्हें कहा अपने को पागल समझ रहा, 13 बोला हमें। फिर इसके बाद हुई बात फाइनल होके, हुई समझो अच्छे कम में ला लिए हिसाब से। अब यहाँ का भी देख के आपको बताता हूँ, ये घर के अंदर है बकरे। वीडियो ऐसा आके ठहर के ले रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ ये वो डाल लेंगे तो लोग आ समझ रहे मास्टर प्लान के लिए मैं ऐसा ऐसा बता दे रहा हूँ समझ रहे, इतना बैठे हुए ने ख़त्म भाई उड़ जाने वाले तुम ना को सही बना के दे तुम्हें। तो ये हूँ मैं और ये है वंडरला, यहाँ पर आए हम होती ना रोड आगे की डिग्री में नहीं, ये तो यहाँ की सही है, यहाँ आगे भी है रोड अपन जैसा आए उधर की, ये वंडरला है। अभी व्लॉग एडिट कर लिया जो कल का था व्लॉग, आज जुम्मे के दिन था, लाइक थर्सडे का व्लॉग था, जुम्मे के दिन अपडेट करने के लिए कैसा भी करके ट्राई कर लिया, सो एडिट हो गया। तो जागो जागो बकरे का भी गाना सॉन्ग भी उस पर डाल दिया थोड़ा बहुत एडिट करके। तो अब है यहाँ पर एडिट, जो मेरे साथ एडिट में जो थे ना, थोड़ा गाने का जो कंटेंट दिए ये गाना इस पर डाल सकते हैं आप बोल के, वो है हमारे सोहेल भाई, वो हमारे सोहेल भाई ज़रा पुराने एरिए के जाने माने शख्सियत हैं, जो के एक वो मर जो उनके पीछे रहते हैं अचानक वालों के पीछे रहते हैं, वो है हमारे सोहेल भाई अयास के ख़ास दोस्त, वो ये है हमारे छोटे भाई के उनके दोस्त, देख रहे हैं स्टाइल अलग ही स्टाइल है। तो जिमकू जाने बैठे, खैर हम ना बकरे लाने के वास्ते बैठे हुए थे, दबा के पानी पड़ा, पानी नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए रेड अलर्ट है। क्या ईद के वास्ते पानी नहाने का आइडिया है? अरे तो ईद को आप पानी कैसा नहाने का आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को? बाहर निकल जाना है शैम्पू ले लेके, टुवाल ले लेके निकल जाना है जाते जाते। हाँ रस्ते में हो जाता, पानी नहा लेके नमाज पढ़ लेके आ जाना है, नमाज पढ़ लेके आ जाना है, आते वक्त खसा मिल जाता आपको कसा। अब जैसा तुवाल से जा रहे हैं वही तुवाल से अगर अपन लपेट के ला लेने गए हां वो भी बात सही है, उसकी लुंगी कच्ची रहती, उसकी लुंगी कच्ची रहती, तुवाल में बंदे घेटी मार लेके पीछे भी डाल लेने का उसको, बच्चों कैसा बंदे डाल के पीछे मार। तो अच्छा क्या हुआ कुर्बानी की, क्या डिबेट हुई तुम लोग की इसमें? तो आपको हां लाना चाह रहे आप कुर्बानी में, क्या ला रहे आपको बोला ना हम ला रहे हैं। नहीं तो ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुई, किसकी वजह से शुरू हुई? सोहेल भाई की वजह से शुरू हुई से हो। अरे इन्हों बोल रहे थे भाई शेर वगैरह काट रहे कहते हैं ना, हां शेर की बात कर रहे हैं फार्म हाउस पे। हां तो हमारे रो एक बार एक तो इन्हों बोले मेरे को शेर काट रहे ना फार्म हाउस पे, चार है कहते कसम नहीं मिला तो मैंने चार की बात नहीं करा भाई, हमारे कितने की फार्म हाउस आए बोला, हां कितने की फार्म हाउस आए इनके, तो शेर काट रहे हो भाई वो जानो पब्लिक सुनी तो मार दी आगे पैदल पैदल विरा दो बोल के उसको, अगली ईद तक आया था बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगली ईद को कुर्बानी देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप अगली ईद को कंफर्म ऊंट का देने वाले? अरे ऊंट आते आते बकरा आता ही कहा था मगर ऊंट बोल के नाम रखेंगे उसका, जो भी नाम तो ऊंट ही रहेगा उसका। अब फिर हम लगा अगर
तू सही में बकरा ले लिया तो वो ऊंटी समझना अब आप जो मैं तो लेने वाला हूँ वो आज ले लिए आज अगले साल तक आ जाता हूँ वो भी बस सही है अम्मा ऐसा है देखो ले लिए ऊंटी आज तक उन्हें बकरा हो जाता अगले साल तक तो बकरा होता कि शेर होता कि नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते जो भी है काट देंगे आती है बिस्मिल्लाह अल्लाह खत्म भाई अपने पास तो आखिरी दवा के पानी पड़ रहा वेटिंग में है कैसा पानी का कैसा इन्हें भी भिक्के तो आया दोनों भिक्के आ जाएंगे पचकना पड़ रहा है पानी में पहले इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो मालूम ना पचकड़ा दिखते जैसे लोगों को अरे देख रहे हैं अब हम दोनों जाने वाले जाके लेके आने दोनों भी कैंसल इनका दोस्त भी नहीं आ रहा है पूरी तैयारी से था मसला एकदम मैं तो सुबह जाके आया तो मैं अपना अलग ही छे मसला अपन सुबह सुबह चले आते सब कमते रात के नहीं होते अपने से तो मैं अभी जॉब के लिए जॉब करते हुए बैठे हुआ हूँ मेरा टाइमिंग 6:30 to 3:30 है जॉब का तो वहाँ पर बिजी हूँ उसके बाद ये सब मोमेंट्स वीडियोस बनाना फिर एडिट करना इतना सब टॉर्चर रहता है हेक्टिक रहता पूरा दिन आखिरी नेक्स्ट कल और आज जो भी अब बकरा लाने हम रात में जाएंगे वो भी पूरा जो भी है अब दिखते पानी पड़ गया तो रेड गिरता है डबल हो गया जी रेड गांसी कटे 30 जाएगा 60 हो गया पानी पड़ा हो जी तभी पूरे पे 30 बोला था बाबू चमकाली के पूछे उसको तुम बाद में अच्छा हुआ आते आते मैं पूछ ही बोला था मैं आते आते क्या करा अब अपना होता रहा ना आते आते क्या करा बकरे के घास का रेट पूछा पहले तो उसको क्या बोल रहा अब 30 रुपए बोले तो हाँ बकरा लाए जब आके ले तो घास बकरा लिया पूछ लिया रेट तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ऐसा करते रहना तो देखो मैं मारा बोल के हो जाए घंटी को बोला लाल जी इसलिए ऐसा करीब से बताओ आप घंटी अरे घंटी ऐसा मारो मैं इसलिए ऐसा देख रहे ना घंटी के आईडिया सो भी नहीं दे रहा ये आखिरी टिकटॉकर है टेंपर रहता स्पेशली हुआ आपके नहीं रहता तो कुछ नहीं होता मगर मारो आप मार सकते आप मार सकते हैं आप हक है आपको आपके ऊपर भरोसा है नहीं अगर अगर ऐसा अगर घंटी को प्रेस करे सब करे तो इसके बाद क्या होता और वीडियोस बनते और वीडियोस बनते और मेरा हुंड भी दिखता आपको देखो कहाँ तक आ रहा है नहीं नहीं अपडेट देते हो कहाँ तक आ रहा है उसको थोड़ा लोकेशन देखते रहो ने कहाँ तक आया उसके कान में बोलता था जो जिसने से गया था मैं उन्हें मेरा एड्रेस कान में बोलता ला अब उन्हें आ जाता मेरे घर तक अगली बार उन भी घंटी दबा दी अगली बकरी तक उन्हें घर पे ही मिले लोग आ बारह नजर अब ये वीडियो देखो फिर नेक्स्ट कल की भी वीडियो देखो ईद की भी वीडियो देखो इंशाल्लाह जितना हो सकता उतना पूरा तो बहुत बुरा रहता हां चलो नहीं इतनी वीडियो के लिए इतना ही उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या है सोहेल भाई को नेक्स्ट वीडियो यहां से कंटिन्यू करता हूं मैं ओके लेट्स गो